वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को कोडिंग करना बहुत पसंद है, बट मुझे ये भी पता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोडिंग करना नहीं पसंद है। अब देखो, टेक इंडस्ट्री में जॉब की इच्छा रखते हो तो कोडिंग तो आना ही चाहिए, पर कोई चीज़ नहीं पता और इंटरेस्ट नहीं आता, कर नहीं पाऊंगा, मज़ा नहीं आ रहा है, ये सब आप तब डिसाइड कर सकते हो जब आपने इनफ प्रैक्टिस करी हो और या जब आपने इनफ सीखा हो। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भले आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस हो, फिर भी कोडिंग स्क्रैच से कैसे स्टार्ट की जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। हाई फ्रेंड्स, माई नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई क्रिएट वीडियोज रिलेटेड टू करियर इंस्पिरेशन एंड लाइफ स्टाइल। आई होप आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एनी टाइम आई पोस्ट माई न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार पॉइंटर्स कि कैसे आप अपनी कोडिंग जर्नी को लिटरली स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये कि आप रिसोर्सेस कैसे आइडेंटिफाई करें कि किन रिसोर्सेज के थ्रू आपको एक्चुअली कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। सो वील कवर द इफेक्टिव रिसोर्सेज। सेकेंडली, वी विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन स्टार्ट कोडिंग एंड बिकम अ प्रोग्रामर और बिकम अ कोडर फ्रॉम अ नोविस। सो एकदम जीरो से आप कैसे कोडिंग करके एक प्रोग्रामर बन सकते हो, वी विल अंडरस्टैंड दैट। Thirdly, we will understand how we can explore more tools and platforms related to coding, related to programming, and how we can find the best fit for ourselves. मतलब बहुत सारे tools and platforms हैं, but हमारे लिए best क्या है, हमें क्या पसंद है, वो हम कैसे identify करेंगे, we will understand that. Lastly, we will understand what sort of mentality do we need to actually start coding and to learn coding and to be consistent and persistent in coding. So without any further ado, let's jump into the video. Taking our first point. So how do we identify the effective resources for coding? So there are traditional methods. आप किताबों के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि किताबों से पढ़ाई करने वाला टाइम थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। अब हमें विजुअली एनिमेटेड चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं, तो मतलब हमारी आइज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप चीज़ों को ढूंढती हैं कि कैसे बहुत आसानी से हमें समझाया जा सके। तो सेकेंड मीडियम है ट्रेडिशनल मीडियम के अलावा, तो सेकेंड मीडियम है दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप सीख सकते हो कोडिंग। थर्डली विल बी द सेटअप प्रोग्रामिंग की, मतलब एक ग्रुप के साथ बैठ जाओ जहाँ लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, उनके साथ बैठो तो उनके साथ बैठ कर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो डाउट होगा वो इंस्टेंटली कोई क्लियर कर देगा या आपको कोई नया कॉन्सेप्ट कोई दूसरा इंसान बता देगा। बट ये जो दो तरीके हैं ना, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वाला एंड देन कम्स द सेटअप प्रोग्रामिंग, ये थोड़े से आज के टाइम पे मतलब फीजिबल नहीं है, बिकॉज लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं। सो मुझे जो सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद है, देखिए इसमें आपका खुद का व्यू पॉइंट हो सकता है, बट मैं अपना बता रही हूँ, मुझे पर्सनली ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा पसंद है। इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री टूल्स हैं, फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली सीख सकते हो। बस खुद को इनाफ मोटिवेटेड करो कि आज एक घंटा या दो घंटा मुझे बेसिक्स सीखने हैं, कोडिंग के बेसिक्स सीखने हैं। देखो, नई लैंग्वेज सीखना, नई लैंग्वेज शुरू करना सीखना कोई आसान बात नहीं होती है, बट वही है कि आपको सिंटैक्स, सेमांटिक्स, लॉजिक, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, और ये आएगी कैसे, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे। तो आप जब ट्यूटोरियल्स फॉलो करने लगोगे, इतने सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दोज ट्यूटोरियल्स तो वो बता देना, वो भी मैं बना दूंगी। सो आई हेल्प यू आउट इन ऑल ऑफ इट, बट इट्स जस्ट दैट वो पुश आपको खुद के अंदर से लाना पड़ेगा। सिट फॉर सम टाइम, स्क्रोल एंड ढूंढो कि कौन से अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, कौन से आपको किसका टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको पसंद आ रही है, कि बताने के तरीके को आपको आप रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, और उनको फॉलो करना शुरू करो। एक बार इंटरेस्ट जगाना शुरू करोगे तो फिर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नेक्स्ट वी विल कवर हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग एंड बिकम फ्रॉम अ नोविस टू अ प्रोग्रामर। सो स्टार्ट विद द सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आई वुड रिकमेंड HTML और CSS से स्टार्ट करिए, दीज आर सिंपल लैंग्वेजेस। इसमें आपको बेसिक टैग्स और सिंटैक्स सीखने होते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिंक्स और इमेजेस। और एक बार आप HTML सीख जाओगे तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और उस वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए आप CSS का यूज करते हो। सो CSS का जनरली जो यूज होता है वो जो आपकी वेबसाइट है उसका डिजाइन और लेआउट बढ़िया से बनाने में होता है। सो आप इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे कि कलर्स, फॉन्ट्स एंड ऑल, टू मेक योर वेबसाइट मोर प्रेजेंटेबल। अब एक बार आप HTML और CSS सीख जाओगे तो उसके बाद आप थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन। सो हियर अगेन आई वुड सजेस्ट कि पहले जावास्क्रिप्ट सीखो,
क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो यूज केसेस है वो काफी वास्ट है. सो जनरली जावास्क्रिप्ट का जो यूज है वो वेब पेजेस में इंटरैक्टिविटी और डायनेमिक फीचर्स ऐड करने के लिए यूज होता है. अब ये सब करने के लिए आप फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, इन सारी चीजों को सीख सकते हो. इसके अलावा एक बार ही लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड होगी तो आप बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. तो प्रोजेक्ट भी लैंग्वेज सीखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है क्योंकि उससे आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है. कुछ प्रोजेक्ट्स मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी, जैसे कि अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाओ. और पर्सनल वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ आपको HTML और CSS आना चाहिए. सो HTML और CSS यूज करके आप अपनी पर्सनल वेबसाइट इजीली बना सकते हो. सेकेंडली, आप एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो. तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप इजीली एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो. इसके अलावा आप कैलकुलेटर और क्विज एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट का यूज करके इजीली बना सकते हो. सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, यू विल हैव अ हैंड्स ऑन की जो भी आपने लैंग्वेजेस सीखी हैं, जो भी आपने कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड चीजें सीखी हैं, उनको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट्स में, वो आपको समझ में आएगा. आप एक बार प्रोजेक्ट करना शुरू करते हो तब आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि हाँ, ये चीज मैंने यहाँ सीखी थी, इसको इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है. नेक्स्ट अप, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन फाइंड योर बेस्ट फिट बाय एक्सप्लोरिंग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग. अब एक बार ही लैंग्वेज आ जाए उसके बाद ही आपका काम होता है कि आप अलग अलग फील्ड्स के बारे में रिसर्च करो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स. इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करो क्योंकि एक बार आपको पता होगा कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स, क्या प्लेटफॉर्म्स इन चीज़ों में यूज हो रहे हैं, तब आप अपने लिए बेस्ट फिट निकाल पाओगे. और एक बार आपको पता होगा कि हाँ, इसमें आपको इंटरेस्ट है, तो अपनी नॉलेज को चैनलाइज करना और नैरो डाउन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. एंड देन यू कैन गेन एक्सपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. सो मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियोज बना रखे हैं गेम डेवलपमेंट पे एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं उन वीडियोस का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं उन्हें. मैंने पूरा एक रोड मैप कवर किया है दैट हाउ यू कैन बी अ गेम डेवलपमेंट इंजीनियर, हाउ यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो यू कैन चेक आउट दैट. अभी करंट ट्रेंड्स की बात करूँ तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ट्रेंडिंग एरियाज ऑफ प्रोग्रामिंग में कंसिडर होता है. लेट्स से चैट जीपीटी ले लो, इतना फेमस हो गया. चैट जीपीटी के बाद एआई टूल्स की लाइन लग गई है. मतलब हमें इससे पहले इतने सारे एआई टूल्स के बारे में पहले पता भी नहीं था कभी. अगर हाँ, चैट जीपीटी से भी रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे ऑलरेडी 2-3 वीडियो सीरीज हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. अगेन आई विल गिव द लिंक्स ऑन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक आउट दैट. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जनरली टॉक्स अबाउट एंड टेल्स यू अबाउट द डेटा एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, इन सबके टूल्स प्रोवाइड करता है आपको. सो एज आई टोल्ड, इट्स अ ट्रेंडिंग एंड वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर इन दिस फील्ड. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट. सो ये जनरली वेबसाइट्स के विजुअल पार्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि वेबसाइट की डिजाइन, लेआउट और यूजर इंटरफेस. इसमें आपको HTML, CSS और JavaScript जैसी लैंग्वेजेस का यूज करना होता है. एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे UI UX डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनर एटसेट्रा. नेक्स्ट, अगर हम बात करें बैक एंड डेवलपमेंट की, तो बैक एंड डेवलपमेंट जनरली डील करता है वेबसाइट की फंक्शनल पार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी. इसमें आपको लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, रूबी और PHP का यूज करना होता है. सिमिलर टू फ्रंट एंड, बैक एंड में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. सिमिलर वे में गेम डेवलपमेंट भी एक बहुत ही चैलेंजिंग और क्रिएटिव फील्ड है. इसमें आपको गेम्स और इंटरैक्टिव कॉन्टेंट डेवलप करना होता है. सो गेम डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस मेजरली यूज होती है वो C++, जावा और पाइथन होती है. अब गेम डेवलपमेंट में भी करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर, गेम आर्टिस्ट, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो इसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. नेक्स्ट, अगर हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, इन सब में जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो जनरली एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है. इसमें हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करते हो. इसमें जो मेजरली लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो सी और असेंबली लैंग्वेज होती है. अब इसमें भी करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, देन फर्मवेयर इंजीनियर, देन हार्डवेयर इंजीनियर, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस. अब अगर आप ऐसे ही डिफरेंट एरियाज के बारे में रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है. And then you can develop your expertise according to your interest. चलिए, further moving on to our video, deeper insights and updates के लिए आप online coding communities and different forums को join कर सकते हैं. इससे क्या होगा ना कि आप और coders और experienced लोगों से connect कर सकते हैं अपने आप को.
ये कम्युनिटीज आपको सपोर्ट, गाइडेंस और आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उस पर एक पॉजिटिव एंड रेलेवेंट फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो उसके बाद आप कई सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कई सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड योर लेवल ऑफ कोडिंग एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव एंड इनहेंस योर स्किल लेवल। तो कोडिंग ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स इन सबको फॉलो करते रहिए जिससे अपडेटेड रहिए कि कौन सी लैंग्वेजेस की डिमांड है एंड क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं टूल वाइज, प्लेटफॉर्म वाइज, कोडिंग वाइज क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप इन कम्युनिटीज से जुड़े रहकर अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लीस्ट बॉदर्ड पॉइंट एंड दैट इज हाउ यू कैन मास्टर द मेंटल गेम ऑफ कोडिंग। सो कुछ भी सीखना, कुछ भी करना सारा दिमाग का खेल है। तो कोडिंग सीखने के लिए आपको एक ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत होती है, मतलब खुद पे विश्वास रखो कि शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं, किसी को शुरू से नहीं आता है, सबको प्रैक्टिस से आता है, तो आपको भी एक दिन शुरू करना ही है। एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अगर जो भी आप सीख रहे हो, कभी कभी टाइम लग जाता है हमें अब एक लैडर क्रॉस करने में, बट नेवर गेट डिसहार्टेंड बिकॉज इट्स अ जर्नी एंड इट विल टेक टाइम फॉर यू टू रीच टू अ सक्सेस लेवल एंड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज व्हाट यू एक्चुअली वांट। अब जैसे आप कोडिंग कर रहे हो तो कई बार कोई ना कोई नई एरर आ जाती है। अब उन एरर का क्या सलूशन है, यही है कि आप उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढो और जितनी तरीके से आप उन एरर्स को सॉल्व करने का ट्राई करोगे उतने नए तरीके आप सीख पाओगे। तो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक सिंपल एक गलती आपको कितनी सारे लेसन सिखा के जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर ही रास्ता है, तो फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। गेट इट कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट डूइंग इट टुडे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ टास्क। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको कंसर्न्स है या कुछ और जानना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एनी टाइम आई पोस्ट माय न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।